नमस्कार। कर्नाटक का हिजाब कंट्रोवर्सी आज डिस्कस करेंगे। इशू को अगर मैं समराइज करूं तो कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं जो स्कूल ऑब्लिक कॉलेजेस में हिजाब या फिर बुरका पहनकर जाना चाहती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि ये उनके रूल्स के अगेंस्ट है। तो इस वजह से लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिसको अच्छा खासा मीडिया अटेंशन मिल रहा है, जिसको इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और मुद्दा जो है फिलहाल हाई कोर्ट में है, और इंडियंस ने भी एज यूजुअल अपने अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरेस्ट के हिसाब से इस मुद्दे पर अपना ओपिनियन बना लिया है, जिस पे वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि इन लड़कियों की ये डिमांड कितनी सही है और कितनी गलत है। इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनके सपोर्ट में जो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा चढ़ा के जो रखा जाता है वो है फंडामेंटल राइट। ये कहा जाता है कि इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने, डेमोक्रेसी ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने तौर तरीकों से अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सके। सो हमारा रिलीजन अगर ये कहता है कि हमारी महिलाओं को हिजाब पहनना है तो फिर पहनना है, आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर देखने वाली दो मेन बातें हैं। सबसे पहला तो ये कि किसी का भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देख लीजिए, इट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ या फिर अदर स्टेट इश्यूज। एग्जाम्पल, प्रियंका गांधी का ये ट्वीट देखिए, कह रही हैं कि बिकनी पहनना हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आप जो मर्जी आप पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकनी भी आप पहन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये कहें कि मुझे सपोज किसी मंदिर में बिकनी पहन के जाना है, किसी मस्जिद में बिकनी पहन के जाना है, कॉलेज में बिकनी पहन के जाना है, स्कूल में बिकनी पहन के जाना है, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है। ऐसे नहीं होता। अगर आपके फंडामेंटल राइट के एक्सप्रेशन की वजह से स्टेट में कोई पब्लिक ऑर्डर इश्यूज होते हैं या कोई इनडिसेंसी इश्यूज होते हैं या और भी किसी तरह के इश्यूज होते हैं, तब आपका फंडामेंटल राइट वैलिड नहीं होता है। स्टेट आपका ड्रेस कोड कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, जैसा कि इसको ट्विस्ट करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि आप ये चीज पहन सकते हैं या ये चीज नहीं पहन सकते हैं। स्टेट के हिसाब से आप जो मर्जी पहन सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है। सिर्फ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है जिसको फॉलो करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी राइट्स के बारे में सोचते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आपके अंदर है। ऐसे केसेस में आपका फंडामेंटल राइट बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन और जिस डेमोक्रेसी ने आपको फंडामेंटल राइट्स का अधिकार दिया है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, उसी डेमोक्रेसी और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी एम्पावर किया है कि वो अपनी फंक्शनिंग के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकें। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके अगर एक इंडिविजुअल और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच में क्लैश होता है तो प्रेफरेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी जाएगी। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा केरला हाईकोर्ट ने कहा है। इसी पॉइंट को एक एग्जाम्पल देकर अगर एक्सप्लेन करना हो तो मान लीजिए आप एक मुस्लिम मेल हैं और आपका रिलीजन ये कहता है कि आपको दाढ़ी रखनी चाहिए। सो आप बिल्कुल फ्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है इसे प्रैक्टिस करने का, आप दाढ़ी रख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। वहीं पर मान लीजिए कुछ दिनों के बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने के बाद जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप फौज में आने के बाद दाढ़ी नहीं रख सकते। सो फौज में आने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना तो मेरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे इसकी इजाजत दी है, मैं तो रखूंगा, सो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आर्मी ऑब्वियसली इसके लिए आपको मना करेगी, बट अगर आप फिर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो भी ये वैलिड नहीं होगा। आपके अगेंस्ट इंडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और आप बाद में भले ही सिविल कोर्ट में जाएं तो भी आप जो है केस हारेंगे। सो कुल मिलाकर समरी ये है कि आपके फंडामेंटल राइट्स तभी तक वैलिड हैं जब तक उनकी वजह से किसी और कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड बॉडी, इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। खैर, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम हैं और सबको इसके आसपास एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, सो इसके लिए करेक्ट तरीका है कि आप इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएं, वहां पे जाके आर्ग्यू करें। अगर आप वाकई कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं तो कोर्ट का जजमेंट को फॉलो करें, ना कि आप कॉलेज के बाहर बैठ के कॉलेज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट वे। देखिए, अगर आप थोड़ा रैशनली सोचेंगे तो ये एक जेंडर या फिर रिलीजियस इशू तो बिल्कुल नहीं है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने मुस्लिम लड़कियों को अलाउ नहीं किया क्योंकि वो बुरका पहन के आई थी, ये चीज़ तो आपको हर कोई बताएगा, मीडिया जोर शोर से बताता है, हर जगह ये सर्कुलेट होती है। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ उतने जोरों शोरों से सर्कुलेट नहीं होती कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदू लड़कों को भी अलाउ नहीं किया क्योंकि वो गले में सेफरन स्टोल्स पहन के आए थे। यानी कि ये जेंडर इशू तो है नहीं, लड़कियों को भी अलाउ नहीं किया, लड़कों को भी अलाउ नहीं किया, और ये रिलीजियस इशू भी नहीं है क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को अलाउ नहीं किया तो वहाँ पर हिंदू लड़के लड़कियों को भी अलाउ नहीं किया।
हाँ, पॉलिटिकल इशू ये जरूर लगता है, क्यों? पिछले ही महीने केरला गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की जो पुलिस कैडेट यूनिफॉर्म होती है उसके ऊपर हिजाब को बैन किया। क्या आपको पता लगा? टीवी पे आया, कोई आउटरेज हुआ? कुछ नहीं। 2018 में प्राइवेट स्कूल्स में हिजाब पहनकर जाने की परमिशन मांगने वाली एक प्ली को केरला हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। क्या आपको पता चला कोई आउटरेज हुआ उसके अगेंस्ट? केरला में ही एक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी नाम की बॉडी है जिनके अंडर 150 से ज्यादा स्कूल आते हैं, और इसी एजुकेशन बॉडी ने अपने स्कूल्स में नकाब बैन किया हुआ है। कोई आउटरीच हुआ आपको कभी पता चला? तो इन एग्जाम्पल्स से तो यही पिक्चर बनती है कि जब इस तरह की चीजें केरला जैसे स्टेट में होती हैं तो कोई आउटरीच नहीं होता, कोई बवाल नहीं होता। मतलब ये इशू तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब ये एक्टिविटीज एक फ्रेंडली स्टेट में होती है। वहीं पर जब ये चीज कर्नाटका में होती है तो इंटरनेशनल लेवल तक का आउटरीच हो जाता है। ऐसी पिक्चर बनाई जाती है एज इफ इंडिया में अब तक सारे स्कूल्स में हिजाब और नकाब सब कुछ हर जगह अलाउड था, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कॉलेज में हिजाब या नकाब बैन किया हो। मीडिया में कुछ इमेजेस और वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, ये वही लड़कियां हैं जो बुरका हिजाब की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। काफ़ी सालों से इस कॉलेज में पढ़ती हैं और पिछले साल तक भी इनमें से कोई बुरका या हिजाब नहीं पहनता था, ऑल्दो इनके रिलीजियस टेक्स्ट में पहले भी लिखा हुआ था कि पहनना है, बट ये लोग नहीं पहनते थे। तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि बुरका और हिजाब इनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि इतने लार्ज स्केल तक प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं उसके लिए? तो इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। या तो इनको वाकई इस साल जाकर जागृति आई है कि हमें अपना रिलीजन फॉलो करना है, अब से पहले नहीं थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनको कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग ऐसा करने के लिए पुश कर रहे हैं। कुछ और इमेजेस हैं, वही प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियां जब ये बाहर घूमने फिरने खाने पीने दोस्तों से मिलने जाती हैं तो कोई पर्दा निकाब हिजाब नहीं है, लेकिन कॉलेज में आना है तो बुरका हिजाब बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने को तैयार हैं, प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं, कोर्ट जाने को तैयार हैं। अब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपका रिलीजन आपसे ये कहता है कि जब आप बाहर निकल रही हैं तो आपको पर्दा करना है, हिजाब नकाब पहनना है, सो ये सिर्फ कॉलेज पे आने के लिए ही क्यों लागू है? बाकी जगह जब आप जा रहे हो तो तब भी तो आपको पहनना है ना, अगर ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हैं तो। अब इसके जवाब में एक सिली बच्चों वाला आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, चॉइस। भाई मेरी चॉइस है, मैं यहाँ पहनूंगी मैं वहाँ नहीं पहनूंगी, मेरी चॉइस है। तो यार ऐसे तो फिर कॉलेज अथॉरिटीज़ की भी चॉइस है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की भी चॉइस है कि वो कॉलेज में कौन सा ड्रेस कोड अलाउ करेंगे और कौन सा ड्रेस कोड अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ आप ही के चॉइस को क्यों ऑनर किया जाएगा, उनके चॉइस को क्यों नहीं ऑनर किया जाएगा? सिर्फ इतना ही नहीं, इन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल रहा है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का, जो कि पीएफआई की एक स्टूडेंट बॉडी है। पीएफआई जिस पर टेरर चार्जेस लगते रहते हैं, पीएफआई जिस पर राइट के चार्जेस लगते रहते हैं, मर्डर कन्वर्जेंस दुनिया भर की चीज। हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसलिए हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट मेरे हिसाब से सही नहीं है। ऑल्दो इंडियन स्टेट और इंडियन जुडिशरी इसको ट्रेडिशनली सही मानते हुए आए हैं, तभी चाहे आप शाहबानो वाला केस देख लो या आप शादी की एज देख लो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से। आई होप आपको पता हो कि इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से लड़कियों की शादी की उम्र पहले 18 होती थी, बढ़ाकर 21 कर दी गई है मिनिमम एज, बट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से मुस्लिम बच्चियां 15 साल की उम्र में शादियां कर सकती हैं। और इसके पीछे आर्ग्यूमेंट यही है कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसलिए हमारा राइट है। पर रिलीजियस टेक्स्ट में तो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें भी लिखी होती हैं। एक हदीत में ये लिखा हुआ है कि होमोसेक्सुअलिटी शुड बी पनिशेबल बाई डेथ। सो कल को अगर ये डिमांड भी उठने लगी कि बिकॉज हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो इट शुड बी आर राइट, सो ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। ये जो फेमिनिस्ट होती हैं, स्पेशली मुस्लिम फेमिनिस्ट जैसे सबा नकवी, राना अयूब, अरफा शेरवानी, साइमा और भी ऐसी बहुत सारी, जो सोशल मीडिया पर हैशटैग्स रन करते हैं कि हिजाब इज़ माई चॉइस, हिजाब इज़ माई राइट, इनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप होली कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिजाब आपका चॉइस नहीं है, हिजाब आपकी ड्यूटी है। होली कुरान ये नहीं कहता कि आप हिजाब चाहें तो पहन सकते हैं, ना चाहें तो नहीं पहन सकते। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस हैं, दीज आर ऑर्डर्स फॉर यू, कि अनलेस आप अपने हस्बैंड के साथ हो, अपने फादर के साथ हो, अपने फादर इन लॉ के साथ हो, या घर के किसी क्लोज मेल फैमिली मेंबर के साथ हो, तब तो ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको सारे टाइम जो है हिजाब या नकाब या इस तरह की चीज़ें पहन के रखनी है, जो आप नहीं करते हो। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए एक आध फोटो डाल देते हो हिजाब या नकाब में, बट बाकी पूरे टाइम आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हो,
ऑब्जेक्शनेबल काइंड ऑफ फोटोज भी डालते हो और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अर्बन नॉर्मल है. सो प्योरली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप एक सच्चे मुसलमान नहीं हैं. आप जो जो अल्लाह ने कमांडमेंट्स दिए हैं उसको फॉलो नहीं करते हो. सो किस हक से फिर आप इन स्कूल की बच्चियों को गुमराह करने की कोशिश करते हो? यूनिफॉर्म इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए होती है. यूनिफॉर्म ज़रूरी है. एक स्कूल और या कॉलेज में हर तबके के लोग पढ़ते हैं. कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी कम्युनिटी का है, कोई किसी कास्ट का है. ये सब भेदभाव मिटाने के लिए यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट लाया जाता है. और यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म ही रहने देने के लिए जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वो इंडिया में पहले से ही रिलीजियस सिंबल्स को बैन करते आए हैं. और इसमें कोई बुराई भी नहीं है. हम स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, ना कि रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हम में से कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं. कॉन्वेंट स्कूल्स ना तो तिलक अलाउ करते हैं, ना कोई माला अलाउ करते हैं, किसी तरह का रिलीजन सिंबल अलाउ नहीं करते. और आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई प्रोटेस्ट होता है उसके अगेंस्ट, या किसी ने कोई बवाल मचाया हो या कहा हो कि हमारे धर्म पे हमला हो रहा है. ऐसा नहीं होता है. लोग समझते हैं इस बात को. तो फिर ये अचानक क्यों इस तरह की चीज़? सो आप अगर रैशनली सोचें तो इसमें कुछ भी जेंडर या रिलीजियस इशू नहीं है. स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए. कर्नाटका के कॉलेज कोई पहले कॉलेज नहीं है जिन्होंने इस पर बैन लगाया हुआ है. और भी सारे स्टेट्स में लगभग इस तरह की चीज़ें हैं. केरला में भी है, मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे. बट उस पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता है, कोई हो हल्ला नहीं होता. कर्नाटका में हो रहा है तो हल्ला मच रहा है. क्यों, वो आप खुद सोचिए. आई होप कर्नाटका हाई कोर्ट इस पर जल्दी एक रैशनल डिसीजन दे और आई होप सब लोग उसे फॉलो करें. एंड आई होप हम स्कूल और कॉलेजेस को रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज से बाहर रखें. धन्यवाद.